हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल यदुवंशी क्लासेज में। तो अपन लेके आए हैं अभी 25 करंट अफेयर प्लस जनरल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। ठीक है, 10 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है भारत के नए सॉलिसिटर जनरल? तुषार मेहता को। ठीक है, तुषार मेहता को भारत का नए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? तो कौन सा देश है? जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 81। ठीक है, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान की कितनी है? 104वीं, और चाइना की है 71वीं। ठीक है, और इंडिया का जो वीज़ा है वो 60 देशों में बिना वीज़ा एंट्री है इंडिया। ठीक है, मतलब अपन 60 देशों में बिना वीज़ा भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वें महालेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत की पहली 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की है? तो कौन से राज्य में स्थापित की गई है? ये है पंजाब में। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन की है। ठीक है, रिफाइनरी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के नए ISI चीफ किसे बनाया गया? तो आपको पता होगा अभी नया पाकिस्तान का ISI चीफ बनाया है, तो उसका नाम है असीम मोनिर। ठीक है, क्या नाम है? असीम मोनिर। ये किन की जगह लेंगे? ये लेंगे नवीद मुख्तार की जगह। पहले कौन था? नवीद मुख्तार थे। ठीक है, अभी अब किसे बना दिया गया? असीम मोनिर को। उसके बाद में नेक्स्ट है, एयर एशिया इंडिया के CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सुनील भास्कर जी को। ठीक है, सुनील भास्कर जी को एयर एशिया इंडिया जो फ्लाइट है आपको बताया, सबसे सस्ती फ्लाइट हवाई यात्रा यही करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने आतंकवाद निरोधी बल के लिए कौन स्थापना की है? तो ये आ जाएगा कवच नाम से, हरियाणा सरकार ने आतंकवादी विरोधी बल की स्थापना की है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, वायुसेना ने कौन सा मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है? तो आपको पता है अभी 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा किया गया है? ये किया गया है मेड वॉच। ठीक है, ये एयरफोर्स के जवान उनकी स्वास्थ्य के लिए डिजिटल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया अभी वायुसेना देश के ऊपर। ठीक है, हाल ही में जो वायुसेना ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 86। कब मनाई जाती है? 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, यू ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहला महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो है मनु भाकर। आपको पता है मनु भाकर, ये जो युवा यूथ ओलंपिक गेम हो रहे हैं इनके, ये ध्वजावाहक भी थी। ठीक है, ये कहाँ हो रहे हैं? अर्जेंटीना के अंदर। ठीक है, अर्जेंटीना के अंदर ये हो रहे हैं। ठीक है, और ये 16 वर्ष की है, मात्र 16 वर्ष की है ये मनु भाकर। ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके बाद देखो दोस्तों, अब साइंस की क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। कैंडेला किसकी इकाई है? तो कैंडेला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता की। ठीक है,
इसके बाद में लिमोनाइट किसका इसका है, तो किसका है लोहे का, लिमोनाइट किसका इसका है लोहे का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर किसका उदाहरण है, तो आपको पता होगा पनीर किसका उदाहरण है जेल का। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट छाट कर आपके लिए बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। सभी कोई न कोई कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्राकृतिक रबड़ किसका बोलक है, तो ये है किसका बोलक है, ये है आइसोप्रीन का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, तो रबर को कठोर बनाने के लिए इसके अंदर क्या मिलाते हैं, इसके अंदर मिलाते हैं कार्बन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है C6H6, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना होती है ऐसे, ठीक है, ये अंदर इसके अंदर बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई बेंजीन की, यहाँ पर एक बॉन्ड है, ये बेंजीन की संरचना होगी, तो क्या होगा C6H5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण त्वरण क्या होता है, ए ए बराबर dv/dt, ठीक है। ये क्या हो गया वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। इसी प्रकार वेग वेग किसे कहते हैं, तो वेग वेग है वो है, सॉरी दोस्तों, विस्थापन, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, तो अंगूर में कौन सा, टार्टरिक एसिड, ठीक है। आपको पता होगा इमली के अंदर भी टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है तितली तूफान का संबंध किस राज्य से है, तो कौन से राज्य से है, तितली तूफान का संबंध है उड़ीसा से अंदर, ठीक है। अभी आपको बताया है उड़ीसा के अंदर ये आ चुका है तितली तूफान, काफ़ी हानि हुई है, ठीक है। ये है अभी उड़ीसा से बंगाल की तरफ इसका रास्ता है, ठीक है, उड़ीसा से ये भी बंगाल की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंटरनेट साइंस फेस्टिवल 2018 कहाँ संपन्न हुआ, तो आपको कहाँ संपन्न हुआ है, ये संपन्न हुआ है लखनऊ के अंदर, ठीक है। वो आपको पूछे हैं कि जो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 था इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या थी, साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 था उसकी थीम क्या है, उसकी थीम थी साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वाला है आरबीआई की पॉलिसी रेपो दर क्या है, तो आरबीआई की पॉलिसी रेपो दर है 6.5%, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अपने 25 करंट अफेयर पर जर्नल साइंस के क्वेश्चन क्लियर किए हैं। इसके बाद यह आपको रोज़ वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप ये पहुँच सके, और आप इस वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक जय हिंद जय भारत।